माननीय, माननीय विभाग संघ चालक जी उपस्थित अन्य अधिकारी गण श्रद्धेय संत वृंद आत्मीय स्वयंसेवक बंधु नागरिक, नागरिक सज्जन माता भग संघ के ऐसे कार्यक्रमों को, को हम समय समय, समय पर देखते रहते स्वयं को भी गणवेश वें वें इसे इसे में ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित रहना शारीरिक प्रदर्शन करना गीत गाना, गाना इस सबका सब अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास का एक लाभ है कि जो काम करते हैं अभ्यास के कारण वो अपने आप निर्दोष होते चलता है सहजता पूर्वक उत्तम काम करने के लिए अभ्यास आवश्यक है प्रैक्टिस आवश्यक है वो प्रैक्टिस हो जाती है। परंतु ध्यान नहीं रखा तो एक ही बात बार बार, बार, करने, बार में, करने में मनुष्य वो बात क्यों कर रहे हैं इसको भूल जाता है एक बार ऐसे हुआ कि एक गरीब आदमी रो रहा था पैसा नहीं था घर में खाने को कुछ नहीं था बच्चे तंग कर रहे थे उनको देने को कुछ नहीं था और आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं थी तो करेगा क्या रो रहा था तो वहां से एक महात्मा जी जा रहे महात्मा जी ने पूछा भाई क्यों रो रहे हो तो उसने बताई अपनी हालत तो महात्मा जी ने कहा भाई रोने की जरूरत नहीं तुम्हारे गांव की नदी है ना तो बोले महाराज नदी नहीं खड्डा है उसमें केवल वर्षा के समय पानी आके बह जाता है बाकी सब पत्थर ही पत्थर दिख रहे तो महात्मा जी का वही बात है वो पत्थर है ना उसमें एक पत्थर पारस का पत्थर है जो लोहे से लगने से लोहा सोना बन जाता है तुम उस पत्थर को ढूंढ लो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का दारिद्र्य समाप्त तो हो जाए अब महात्मा जी बात कही तो विश्वास तो हो ही गया अपने घर से एक लोहे की सीख लेके आया और खड्ड में खड़ा रहा और एक एक पत्थर उठा के देख रहा है उठाना को लगाना फिर देखना नहीं हुआ सोने की फेंक देना दूसरा उठाना फिर से लगाना देखना, देखना फेंक देना उठाओ देखो लगाओ देखो फेको जैसे आपने एक दो तीन चार में व्यायाम योग किए वैसा उसका का व्यायाम योग शुरू हो गया उठाओ लगाओ देखो फेको उठाओ लगाओ देखो फेको करते करते गति से काम होने लगा धुन लग गई और विचार भूल गया कि ये क्यों कर रहे तो कभी एक बार उसके हाथ में वो पत्थर आया उसने सिख को लगाया सिख सोने की बन गई आंखों ने देखा लेकिन भूल गए थे क्या करना है क्यों देखना है क्या देखना है तो चार में पत्थर को फेंक दिया और, और ऐसे तो हजारों पत्थर उठाए होंगे एक, एक बार उसको ठोकर लग गई तो एकदम तो एक होश, होश में आ गया, गया। अरे मैं क्या? हाँ नदी में मुझे वो ढूंढना है पत्थर देखता, देखता है तो ली वो सोने की बन गई लेकिन पत्थर कहा पारस पत्थर कहाँ से उठाया कहा फेंका कुछ मालूम तो इतनी ही प्रैक्टिस की उसका एक तो फायदा हो गया कि एक सीख भर का सोना उसको मिल गया लेकिन जीवन भर का मिल सकता था तो करते समय क्यों कर रहे इसका विचार भूल जाने से वो जो बड़ा लाभ होने वाला था उसने छोड़ दिया हम संघ के स्वयं जो बैठे हैं उनको तो ये सब पता है उनका रोज का अभ्यास रोज के अभ्यास से ये काम उत्तम होते हैं अनुशासन संघ का प्रसिद्ध है क्योंकि अभ्यास है ये अच्छी, ये अच्छी बात लेकिन करते कर, कर, करते कर, ये हम क्यों कर, कर रहे हैं ये भूलना नहीं चाहिए इतने सारे, तो सारे स्वयं अपने यहां पर तो है।, तो है मैं समझता तो हूं कि तो बहुत वर्षों तो के तो बाद कठुआ में इतना बड़ा गणवेश का एकत्रीकरण हम सब लोग देख रहे हैं तो इसमें कुछ सौ नए भी लोग होंगे और फिर आजकल संघ जरा देश की गतिविधियों के केंद्र में है तो संघ क्या कर रहा है सभी लोग देखते, देखते रहते हैं। तो नागरिक भी अधिक संख्या में आए हैं जो इसके पहले संघ को देख नहीं रहे थे तो इन सबको ही आवश्यकता होती है संघ क्या कर रहा है ये तो देख रहे लेकिन क्यों कर रहा है ये जानेंगे हमको करना क्या है क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालते एक लामा जी खड़े थे हिमालय के एक छोटे से टीले पर, पर से पर, पर दूर देख रहे थे आसपास के गांव से आने जाने, जाने, जाने वाले लोग लामा जी को देख रहे थे, थे और अनुमान लगा रहे थे कि लामा जी उधर क्यों देख रहे तो किसी ने कहा कि वहां से वो सीनरी अच्छी दिखती होगी दूसरे ने कहा लामा, लामा जी को सीनरी का नई बात है क्या वो ऐसे कितने ही शिखरों पर चढ़े और देखा तो है वो तो, तो दूर वो वो से किसी को, को देख रहे होंगे तो कुछ तो चल रहा होगा दूर तक तो वो देख रहे होंगे तीसरे ने कहा वहां क्या चल रहा है कोई चल के आता होगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे तो दूर से निहार रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा फिर एक ने पूछ ही लिया लामा जी को जी वहां खड़े होके आप क्या देख रहे हैं तो बोले जो दिख रहा है वो देख रहा हूं तो बोले क्यों, क्यों देख, रहे? देख रहे नहीं ऐसे ही मन हुआ मन हुआ इसलिए चढ़ गया, देखने का मन हुआ इसलिए देख रहा हूं कोई कारण नहीं है लेकिन नीचे जो लोग थे उनका कभी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा है लेकिन वास्तव में लामा जी वही कर रहे थे उनका मन हुआ किले पर चढ़ो देखो देखा ऐसे संघ क्या कर रहा है बहुत अनुमान लगाते तो कार्यक्रम ही देखते हैं तो गीत सुन के कोई कहता है कि इनकी कोई संगीत चाला होगी अखिल भारतीय की नियुद्ध वगैरह देखा तो मार्शल आर्ट्स क्लब ऑल इंडिया मार्शल आर्ट्स क्लब गणवेश वगैरह में तो ये पैरामिलिट्री वाले लोग हैं ऐसा लोग मानते अब राजनीतिक दल में भी इसके कुछ स्वयंसेवक सेवक तो आजकल प्रसिद्ध हो गए तो फिर खबरें छपती खबरे है कि वो संघ के सरसंघ चालक आए हैं और, और चुनाव के लिए स्वयं सेवकों की, की नब्ज टटोल रहे तो मैं तो जानवरों का डॉक्टर तो तो हूं मनुष्यों तो की नब्ज नहीं टटोलता हमें सीखा नहीं मैं लेकिन ऐसे अनुमान लगाना अनुमान के जगह प्रत्यक्ष है अंदर आके देखना जो है वो दिख जाएगा समझ जाएंगे अंदर आकर देखने के लिए भी थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि गलत जगह अंदर नहीं जा रहे तो बाहर आना ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं स्वयं सेवकों के पुनर्स्मरण के लिए और बाकी लोगों के जानने के लिए अभी हमने गीत सुना विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में, में एकमात्र देश है भारतवर्ष क्योंकि तो विश्व के पास बाकी, बाकी सब, सब कुछ है।, है लेकिन जिससे जिस सुख, सुख मिले समाधान मिले संतोष, संतोष हो वो बात, बात नहीं।, नहीं और जो, जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े इसके लिए जो डिफेंस चाहिए सुरक्षा चाहिए वो बाकी लोगों के पास नहीं है मनुष्य सुखी हो संतोष समाधान, समाधान से जीवन, जीवन काटे दुनिया के कलह बंद हो सर्वत्र शांति फैले सर्वत्र, सर्वत्र समाधान रहे और सब, सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे इस, इस इच्छा से गत 2000 तो वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। जड़वाद के आधार, के आधार पर भी किए आस्तिकवाद के आधार है? पर भी किए भगवान को मानकर भी किए भगवान को न मानते हुए भी किए समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है साधन सुविधा बहुत गई मनुष्य संपन्न हो गया आज, आज आप अपने घर में बैठकर दुनिया की किसी बात को गूगल बाबा के जरिए जान सकते हैं। किसी बात की जानकारी की कमी नहीं है अभी तो घर बैठे बाजार भी आप कर सकते हो यहां से एक क्लिक से अमेरिका में बैठे अपने मित्र से या अपने रिश्तेदार से बात कर सकते हो बहुत सुविधा हो गई। पुराने समय में यात्रा करते थे लोग पैदल जाते थे बियड वनों में से जाते थे कुछ लोग पशुओं के द्वारा मारे जाते थे कुछ लोग डाकुओं के द्वारा जाते थे जो जाके सही सलामत वापस आता था तो उसका उत्सव होता था गाँव में क्योंकि यात्रा में जाकर वापस आना आसान बात नहीं थी लेकिन आजकल कुछ नहीं बस ट्रेन से लेकर तो हेलीकॉप्टर तक सारी सुविधाएं उपलब्ध है जहां लोग जन्म जन्म में एकाध बार जाने की इच्छा करते थे मानस सरोवर है गंगा सागर है ऐसे जगह आजकल हर साल जाकर आने वाले लोग इतनी सुविधा है लेकिन दुनिया का दुख कम नहीं हुआ है दुनिया के कलह मिटे नहीं और बढ़ गए अभी अभी कलह बंद हुए ऐसा लगा तो यूक्रेन का शुरू हो गया यूक्रेन अभी खत्म नहीं हुआ तो उधर इसराइल हमास उनका हो गया ऐसे साल भर चलते रहे, झगड़े थमने का नाम नहीं। साधन सुविधा संपत्ति भी बढ़ गई लेकिन अपराध भी बढ़ गए छोटे छोटे बच्चे अपने विद्यालय में बंदूक लेके जाते और अपने सहपाठियों को भून देते मानसिक विकृति बन गई परिवार टूटने लगे घटस्फोटों का प्रमाण बढ़ने लगा यह सब हो रहा है अपने सुख के लिए जो साधन हमने अपनाए उन साधनों से भी ये खराबी हो रही है तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है पूर्वानुभव के आधार पर अनेक शास्त्रज्ञों को यह डर लगता है कि ये ला तो रहे हम लेकिन कही आज हम मशीन को चला रहे मशीन कल हमको चलाने न लगे इस उहापोह में दुनिया है उसको रास्ता मिल नहीं रहा और उनको लगता है कि रास्ता भारत से ही मिलेगा क्योंकि ऐसे ही उस समय के तंत्र ज्ञान में नंबर एक भारत था सोने की चिड़िया कहलाता था यहां गरीबी नहीं थी भिखारी नहीं, नहीं थे चोरी, चोरी नहीं, नहीं थी, थी अप्रामाणिकता नहीं थी, थी। सब, सब लोग समाधान पूर्वक रहते थे, थे। भाषा पंथ प्रांत, प्रांत जाति पाति सब विविधता थी, थी लेकिन आपस में कलह नहीं थी ऐसा तो एक नहीं दो नहीं तीन हजार साल तक भारत रहा अभी अभी तक भारत पर आक्रमणों का ताता शुरू होने के पहले तक भारत सब, सब मामलों में दुनिया का नंबर एक भारत के पास कोई प्राचीन पूंजी ऐसी है जिससे दुनिया को रास्ता मिल सकता है और मिलता है अभी जी ट्वेंटी हुआ जी ट्वेंटी में मुख्यतः आर्थिक और भू राजनीतिक मामलों का विचार होता है वो भी अर्थाधारित ही विचार होता है व्यापारी मानसिकता से ही सारे देशों के मुख्य और प्रशासक वहां आते चर्चा करते कर। भारत में हुई यजमान बना तो परिणाम क्या हुआ अर्थाधारित विचार करने वालों ने वसुधैव कुटुंबकम के मानवीय विचार को स्वीकृत किया आर्थिक विचार पर मानवीय विचार स्वार हो गया अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे यह दिशा भारत, भारत, भारत में ही उनको मिलती और भारत, भारत में उनको मिलनी थी। ही थी क्योंकि भारत के भारत पास अपना एक दृष्टिकोण है वो थियरी नहीं है वो प्रत्यक्ष अनुभूति है भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले यह जाना कि दिखता सब अलग अलग है लेकिन एक से ही निकला है विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है इसलिए उस एकता को जानो वो परम लक्ष्य है सुख को ढूंढना है तो सुख बाहर नहीं है सुख अपने अंदर है गुलाब जामुन खाएंगे कितने खाएंगे खवैये लोग हैं सौ सौ खाते लेकिन सौ के बाद एक सौ एकवा उनसे भी निकलना नहीं होता फिर दस पच्चीस और फूसे जाएंगे तो निकल लेंगे लेकिन एक समय आएगा कि वही गुलाब जामुन जैसा पहले था वैसा ही एक सौ पच्चीस वा या डेढ़ सौ उनके मुंह में ठोसेंगे तो उल्टी हो जाएगी तो वो मिठास जो अच्छी लगती, लगती है, है वो गुलाब जामुन लगती 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 में थी कि अपने मन, 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 मन में थी वो अपने मन में थी और इसलिए सुख का उद्गम अपने अंदर है जो सबके अंदर है वो ही हमारे अंदर है जो एक विविध बना है वो सब में है अपने अंदर उसको जानो और सब में उसको देखना सीखो तो शाश्वत सुख मिलता है और उसके, उसके लिए अपने, अपने व्यवहार को सत्य करुणा शुचिता और तपस।, और तपस इन चार मूल्यों की, की चौखट में रखकर जीवन जीना पड़ता है सत्य ये है एक, एक के, के ही सब, सब बने इसलिए सब अपने हैं वसुधैव कुटुंब स्वयं के लिए नहीं जीना अपने लिए नहीं जीना अपनों के लिए जीना तो सुख, तो सुख मिलेगा। इस, इस सत्य को मानकर और सत्य को करुणा के लेप में लपेट कर क्योंकि सत्य बड़ा भी होता है सत्य को पहुंचाने के लिए मनुष्य में करुणा चाहिए अपनों के लिए जीने के लिए भी करुणा चाहिए प्रेम भक्ति का ही एक रूप करुणा है उस करुणा के साथ चलो और ऐसा अगर होना है तो आपको अंतर बाह्य पवित्र होना पड़ेगा विकारों के पीछे मत भागो। काम ये है, अपने छह शत्रु इनसे दूर हटो अपने अंतर को मुक्त करो शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो जाओ और उसको जानने की तपस्या करो ऐसा पवित्र बनने की तपस्या करो जो ऐसी तपस्या करता है अपनों के लिए जीता है मैं और बाकी सब इनमें कोई अंतर नहीं है ऊपर से दिखने वाली बातें अलग है लेकिन अंदर सब माल एक ही है ये जानकर जो चलता है वो मुक्त हो जाता है उसको फिर दुनिया के बंधन रोक नहीं सकते ये बात हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन जीकर अनुभूति के आधार पर बनाई बताई और, और आज, आज भी ऐसा बता सकने वाली जीवन हमारे पास है प्रत्यक्ष है ये जो हमारे सनातन धर्म के मूल्य है इसके आधार पर हम केवल उपदेश करते नहीं रहे हमने अपना जीवन ऐसा बने ऐसी आदतें लगाने वाली एक संस्कारों की व्यवस्था शुरू की वो आदिकाल से अब तक चल रही है वो हमारी संस्कृति है सनातन काल से चलने वाली ये सनातन संस्कृति ये सब हमारे देश में उपजा लेकिन ये केवल हमारे लिए नहीं है क्योंकि सब अपने तो ये सबके लिए है हमने कभी इसको हिंदू वगैरह नाम नहीं दिया हमने इसको सनातन धर्म का सनातन संस्कृति का इसके आधार पर दुनिया चलती है दुनिया कैसे चलती है पृथ्वी सूक्त, सूक्त की पहली रुचा है जिस सूक्त में, में वो प्रसिद्ध माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या ऐसी पंक्ति मिलती है सब जगह लोग बोलते हैं उस सूक्त के पहले पंक्ति में कहा है कि ये सृष्टि टिकी किस पर है सत्य पर टिकी है दूसरा कहते हैं कि संतुलित व्यवहार पर टिकी है तीसरा कहते हैं कि सामूहिक व्यवहार पर टिकी टिकी है, चौथा कहते हैं कि तन मन की की पवित्रता के आधार पर है। इस सारा वर्णन उसमें है जीवन ऐसा बनाने के लिए ज्ञान तो हो गया बुद्धि में मन ने तो मान लिया लेकिन शरीर को आदत लगानी पड़ती है तो छोटी छोटी बातों की आदत कराने वाली संस्कार पद्धति संस्कृति जिससे हमारा समाज का स्वभाव बना हमारे म... समाज की संस्कृति बनी वो हमारी संस्कृति है अपने घर के सामने कोई मांगने, मांगने वाला आ जाए तो आज भी हम सोचते हैं कि आया है तो कुछ तो दे दो पूरी मांगे नहीं कर सकते लेकिन मुट्ठी पर चावल ही दे देंगे एक हाथ पैसा ही दे देंगे और देंगे तो किसके हाथ से देंगे घर में जो छोटा बच्चा है उसको भेजेंगे क्योंकि उस बच्चे, बच्चे को, को बचपन से पता रहेगा कि हमारे घर में जो भरा पड़ा है, भरा है वो केवल हमारे अपने लिए नहीं, नहीं है जो जरूरत वाला व्यक्ति घर के सामने आता है।, है उसका परिचय भी ना पूछे उसको जरूरत है इसमें से देना है हम ट्रस्टी है संपत्ति हमारी नहीं है संपत्ति राजा की नहीं है संपत्ति भगवान की है राजा भी ट्रस्टी है हम भी ट्रस्टी इस प्रकार की बड़ी बातों, बातों की आदत करने वाली छोटी छोटी बातें उनको, उनको कहते संस्कार वो हमारे पास है उसके आधार पर जो जीवन, जीवन बनता, बनता है, है वो जीवन स्वयं संपन्न होकर सबके जीवन को संपन्न करता है सृष्टि को भी संपन्न करता है ये दुनिया को पता है हमने ये किया है आज फिर से उसकी आवश्यकता है जब स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कि दुनिया को धर्म देने के लिए भारत का जन्म है भारत धर्म प्राण देश है या योगी अरविंद कहते हैं कि सनातन धर्म का उत्थान ही भारत का उत्थान है सनातन धर्म के, के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है तो वो जो धर्म है वो पूजा पाती या खान पान नहीं है उसका एक छोटा अंग वो है और उसमें विविधता है आपके, आपके रुचि को पूरा स्वतंत्र स्वतंत्र धर्म वो है जो धारणा करता, करता है सबको जोड़ता है कला मिटाता है भेद मिटाता है सबको जोड़ के ऊपर उठा दुनिया का संतुलन हो गया जिसके आधार पर सृष्टि टिकी रही है वो एक फैक्टर चला गया वापस कैसे आएगा धर्म संतुलन देता है धर्म एक्सट्रीमिज्म पर नहीं जाता बीच में चलता है मध्यम मार्ग है तथागत सारी भारतीय भारती विचार परंपराए आस्तिक हो नास्तिक हो इस, इस बात का प्रतिपादन करती धर्म कर। चाहिए वो दुनिया को देना ही अपना कर्तव्य है दुनिया के हित के लिए वो अनिवार्य है भारत का, भारत का वो ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है भारत, भारत के जन्म का वो प्रयोजन है उसके लिए सारे आघात सहन कर भी भारत, भारत जिंदा है यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी वो हस्ती क्या है वो ये है हमको ये काम करना है इसलिए हम इतने सारे उतार चढ़ाव इतिहास के देखकर भी आज जिंदा है हमारी संस्कृति सही हमारे धर्म सही ऊपर की बातें बदली लेकिन हृदय वही है वृत्ति वही है दृष्टि वही है, है तो ये देने के लिए हमको लायक बनना पड़ेगा लायक की बातें कौन सी है पहली बात है कि दुनिया दुर्बलों का नहीं मान दुनिया उसका मानती है जिसमें कोई शक्ति है दुनिया उसका मानती है जो बोलता है वैसा उसका जीवन है हम लोगों को ऐसा बनना पड़ेगा हम भारत के लोग हैं हम कौन है हम हिंदू हैं हिंदू क्या है हिंदू धर्म है हिंदू पूजा नहीं हिंदू खान पान रीति रिवाज नहीं सभी पूजाओं का स्वीकार करने वाला सभी तो खान पान रीति रिवाज के लिए जिसमें जगह है ऐसा जो केवल टॉलरेट नहीं करता एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करता है ऐसा विचार लेके जो, भारे भारे जो चलता, चलता है वो हिंदू है यह भारत का परंपरा से चलता है और विचार है यहां परंपरा से ऐसे लोग बसे हैं और जो भी पूजा पद्धति किसी की हो भारतीय संप्रदायों की तो कोई बात ही नहीं उन सब में यह बात है बाकी सब अलग अलग होगा लेकिन निकलने का बिंदु भी, प्रस्थान बिंदु एक है क्या एक से, एक से, से सब निकले सुख के बारे में सबकी सब कल्पना एक है सुख, सुख बाहर नहीं।, नहीं सुख अपने नहीं। अंदर है सुख संतोष में और ये सब है तो रहना कैसे इसके बारे में सबका उपदेश समान है सनातन की भाषा में कहना है तो सत्य अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौच स्वाध्याय संतोष सचिध यही दस बातें अपने, अपने अपने शब्दों, शब्दों में भारत, भारत के सब, सब पंथ संप्रदायों ने अपने अनुयायियों के लिए बताई है कि ऐसे रहो अंतर केवल पूजा का है खान पान के नियमों का है पर्व त्योहार अलग अलग होंगे कई बहुत सारे तो एक ही है इस अपने एकता को पहचान कर अब तक जो भेदों का व्यवहार हजार वर्ष तक हमारा रहा उसको छोड़ देना और भारत माता के सब पुत्र अपने भाई मेरा जीवन विकसित होके उनके विकास में काम आएगा ऐसा जीवन रहेगा ऐसा अपना जीवन, जीवन बनाना उसके लिए रोज संघ की शाखा में आना बाहर की दुनिया को भूल जाओ दाल आटे के भाव भूल जाओ कहां काल जल लड़ाई झगड़ा हो रहा है भूल जाओ, यहां आओ, भारत माता को ही सामने रखो, उसके भक्ति के ही गीत गाओ भारत माता के पुत्रों के साथ वो कौन है कितने कमाते हैं, किस जाति के है किस, किस, किस मत करो वो अपने भाई है भारत माता की झूल में लोट पोट होकर खेल खेल, खेल। खेलों में से छोटी छोटी बातों में से बड़ी बातों के गुण विकसित करो और ऐसा करते, करते हुए, हुए सबको सब 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 जो जो सब मिलकर भारत को बड़ा बनाएंगे ताकि भारत सब विश्व के देशों को साथ लेकर दुनिया को सुख शांति का नया रास्ता दिखाएगा संघ का काम इसके लिए चला है प्रार्थना होगी आप सुनेंगे आखिरी कड़ी देखिए विजेत्री चनस चनस संवता शक्ति ही। ही। हमारी कार्य शक्ति आगा के भरोसे धर्मस्य उस का उपयोग गुंडागर्दी के लिए नहीं लड़ाई झगड़े के लिए नहीं धर्म का संरक्षण करने के लिए जोड़ने वाला तत्व बिखरने न देने वाला तत्व सबको उन्नत करने वाला तत्व उसकी सुरक्षा के लिए उपयोग करते हुए हम अपने, अपने देश, देश को परम वैभव संपन्न बनाएंगे इसके, इसके लिए शीघ्र समर्थ बने परम वैभव समर्था भवतु भगवान को कहते तुम्हारा आशीष दो जल्दी हो ये संघ की प्रार्थना है लाखों स्वयं रोज अपने सामूहिक संकल्प का स्मरण शाखा पर अपने शरीर मन बुद्धि को उन्नत करने वाले सीधे सरल कार्यक्रम करते हुए हैं छोटी छोटी बातों, बातों की, की चिंता करते हैं है। तो बड़े बड़े, बड़े प्रकरणों में संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले, पहले पहुंचकर पहुंच समाज को राहत देते इसमें कोई आश्चर्य हमको नहीं तो लगता अंग्रेजी में एक कहावत है टेक केयर ऑफ पेनी पाउंड बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने में कोई मतलब नहीं भैया पहले तुम अनुशासन में रहना सीख देश में, देश में कंट्रोल तो चाहिए अगर देश में चाहिए तब तो होगा लेकिन पहले अपनी चप्पल लाइन में रखो तुम जब बात, बात, बात नहीं करनी, करनी है तब तो बात न, न करना रहना चुप रहना सीखो दक्षम स्थिर खड़ा रहना सीखो छोटी छोटी बातें लेकिन इससे मनुष्य का शील बन सो एन एक्शन एक कृति को बो रीप ए हैबिट एक आदत को काटो सो एन हैबिट सो हैबिट एक, एक आदत को बो रीप ए नेचर एक स्वभाव को बनाओ सो ए नेचर रीप ए, ए कैरेक्टर स्वभाव को बो चरित्र को व्यक्तिगत चारित्र और राष्ट्रीय चारित्र दोनों हमको भी शुद्ध रहना है पवित्र रहना है दुनियादारी के कीचड़ में उतर कर भी अपने आप को उससे अलग रखकर उससे डील करना है उसको हैंडल करना है ये प्रपंच की कुशलता है कुशल ऐसा तथागत ने कहा है योग कर्म सुकौशलम ऐसे श्री कृष्ण ने कहा है गीता में उसका अर्थ यही है दुनिया में निकलते हैं तो प्रकृति स्वभाव के अनुसार चलता है, चलता है। तो हम अहिंसक है।, है लेकिन सामने से, से कोई नाक, नाक जा रहा है तो हम उससे बचेंगे जरूर उसको जाके, जाके मारेंगे नहीं, नहीं। सर्प मित्र को बुलाएंगे उसको छोड़ देंगे जंगल में लेकिन जानबूझकर, जान तो बुझ का पालन करने वाला हूँ मुझे कुछ नहीं करेगा इसलिए उसके सामने नहीं जाता ये कुशलता है शक्ति संपन्न इतने बनो कि दुनियादारी के जंजाल में हम पर कोई कीचड़ का धब्बा न लगे हमको तो, तो आज, आज बहुत, बहुत इसकी जरूरत इसलिए है कि आज अनुकूलता का जमाना है हमको सब तो लोग सब चाहते, चाहते हम पर विश्वास रखते हमको, हमको जितना, जितना उन्होंने देखा, देखा है, है उसमें उनको ध्यान में आया है कि ये लोग, लोग अच्छे हैं और सद्भावी हैं तो हमसे अपेक्षा भी करते और हमारी प्रतिज्ञा भी है तो हम काम भी करते हैं लेकिन, लेकिन करते करते जहां जाएंगे, जाएंगे वहां के वातावरण का कुछ तो परिणाम होता, होता है हमको ये अहंकार करने, करने की जरूरत नहीं कि हम नहीं बिगड़ेंगे हम भी बिगड़ सकते और इसलिए हमारे लिए एक तो उपाय है रोज की शाखा है रोज शाखा में आकर अपने तन मन को फिर से पवित्र कर तेईस घंटा उस पवित्रता का उपयोग करो काम करने के लिए कुछ मन पर मैल जमा हुआ होगा विरोध, विरोध के, के कारण कुछ, कुछ मन में रंज हुआ होगा क्रोध आया होगा सब धो डालो अपने आप को ठीक तो करो फिर लग हमारे पास, पास उपाय है।, है उस पर टिके रहना, रहना चाहिए तो ये बड़े काम करते समय अपने स्खलन से हम बचेंगे संग इसलिए है ये जो सारे काम हो रहे हैं समाज में स्वयंसेवकों के द्वारा वो स्वयं सेवकों के अलग स्वतंत्र स्वायत्त काम उस पर संघ का कोई बस चलता नहीं है और संघ चलाना चाहता नहीं अपना कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है कहीं पर स्वयं सेवक संख्या में तैयार हुए है उनको विचार है उनको संस्कार है वो अपना काम करेंगे संघ का विश्वास है उन पर छोड़ दिया संघ क्या करता है संघ ऐसे लोगों को तैयार करता है और जो तैयार हो वो अगर ऐसा नित्य शाखा में आए तो उनको तैयार रखते इसलिए शाखा का आग्रह संघ यानी शाखा का शाखा यानी कार्यक्रम क्योंकि कार्यक्रमों से आदत बनती आदतों से संयुक्त बनता है उसका शील बनता है तो शीलवानों की शक्ति हमेशा अच्छे कामों के लिए काम में आती है जिनका शील नहीं है वो क्या करते हैं विद्या विवाद आए धनम मद शक्ति परेशान पर धनवान हो गए तो मदान हो जाए विद्या प्राप्त हुई तो विवाद करेंगे सब जगह विवाद ही पैदा करें। अपना नैले पे दैला हर जगह जमाने की, की कोशिश करेंगे और शक्ति है तो दूसरों को कष्ट देने में उसका उपयोग करेंगे लेकिन, लेकिन शीलवान जो है ये खलस्य साधुओं का दुष्टों का ऐसा है साधु विपरीतम इसके उल्टा है ज्ञानाय दानाय च रक्षण विद्यावान लोग दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते धन का उपयोग दान करने के लिए करते हैं और शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं ऐसा शील उत्पन्न करना व्यक्तिगत दृष्टि से भी और राष्ट्रीय दृष्टि से भी व्यक्तिगत दृष्टि से अहिंसा आवश्यक है अनिवार्य है हमारे धर्म के मूल्यों में से एक है कोरोना और अहिंसा दो अलग बातें नहीं परंतु दुनिया में दुष्टों से दुर्बलों की रक्षा करनी है तो हाथ में शस्त्र धारण करना पड़ता है इसका अनुभव तो हम स्वतंत्रता के बाद बार बार ले चुके हैं और इसलिए राष्ट्रीय संदर्भ में चारित्र का विचार करते समय एक, एक के गुण का विचार नहीं करना पड़ता सबकी सुरक्षा सबके हित का विचार करना पड़ता है अहित करने वाले समाज को तोड़ तोड़ने चाहने वाले देश को तोड़ना चाहने वाले उनके लिए जिस उपाय से उनका निराश होगा उस उपाय को करना ये अहिंसा ही, ही है ऐसे, ऐसे है है हमारे व्यक्तिगत सद्गुण है उन व्यक्तिगत सद्गुणों का व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण स्थान है राष्ट्रीय संदर्भ में हो सकता है कि हमको सबके हित के लिए कुछ विचार करना पड़े नियम और अनुशासन पालन का का स्वभाव था तो दूत में नियम था क्षत्रियो के लिए दूत का आह्वान हो तो पीठ नहीं दिखाना तो मालूम होकर भी दूसरे बार बुलाया फिर से कुछ होगा खेलने के लिए गए क्यों अनुशासन लेकिन उनको स्वर्ग का भी अनुशासन पता था कि स्वर्ग में सभी मनुष्यों को भी प्रवेश नहीं है सदैव केवल पुण्यवानों को मिलता है कुत्ते को प्रवेश तो मिल ही नहीं सकता लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ चल के ही कुत्ता आया इतना दूर तक मेरे चारों भाई और, और मेरी, मेरी पत्नी, पत्नी वो दोनों वो पीछे छूट गए उनके प्राण चले गए लेकिन ये कुत्ता मेरी, मेरी साथ दे रहा है वो, वो तो अगर तो सदेह नहीं, नहीं आता मेरे साथ, साथ तो मुझे तो 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 स्वर्ग अनुशासन का पालन वहां आवश्यक था एक का प्रश्न था धर्मराज्य का राज्य रहेगा जाएगा यहाँ पर एक का प्रश्न नहीं था इतने दूर से चल के कुत्ता साथ आया है अब उस बर्फ में उसको अकेला तो छोड़ तो देंगे तो तो दूसरी का हित का विचार ये सब सीखने के लिए स्वयं सेवक संघ में आते और ये सीख कर समाज के हित के लिए इसका विनियोग करते क्यों? क्योंकि समाज संगठित बने निर्भय बने, अपना जो परंपरागत स्वत्व है उसके आधार पर खड़ा हो और उसकी आवश्यक बातें जो दुनिया को आज चाहिए वो देने के लिए समर्थ देश का निर्माण करे देश का निर्माण देश, देश की जनता करती है देश, देश की जनता की गुणवान, गुणवान होती, है। होती है तब देश, देश का भाग्य बदलता, के बदलता है।, है करने वाले तो बहुत आते हैं, महापुरुष बहुत आते हैं, हैं। अच्छे-अच्छे विचार भी, भी तत्वज्ञान आते ये सब सहायक होते हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर सकते इन सबको एक बड़ा साथ चाहिए वो समाज की इच्छा शक्ति और समाज के सदगुणों उन सदगुणों की साधना और अपने, अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न राष्ट्र बनाने की इच्छा शक्ति इन दोनों का निर्माण संघ की शाखा में होता है वही करने के लिए संघ है ये छोड़कर संघ को तो और कुछ करना नहीं बाकी जो करना आवश्यक है स्वयं सब कर ले समाज कर ले समाज तैयार होगा संघ को तो ऐसे लोग तैयार तो करने तो हैं इसलिए हम शाखा में आते हैं इसलिए हमारा अनुशासन छोटी बातों पर हैं इसलिए इन सब बातों का पालन हम करते इसको ध्यान में रखकर हम चले तो आज का समय ऐसा है कि शक्ति हमारी भी बढ़ गई है समाज में हमारा एक स्थान भी बन गया है समाज में अपने राष्ट्र को बड़ा देखने की इच्छा शक्ति जाग रही है तो समाज आगे होकर चलने के लिए तैयार है ऐसे समय में हम लोग समाज को अपने शक्ति की जोड़ी दे देते समाज को आगे करें क्योंकि हमको तो कुछ तो नहीं चाहिए, चाहिए। तेरा वैभव अमर चार रहे मां न रहे ऐसा हम मानते हैं हम, है। हम चाहते हैं कि है। इतिहास तो में यह लिखा जाए कि संघ के कारण देश बड़ा हुआ इतिहास तो में ये लिखा जाए कि समाज ऐसे बना कि उसने अपने देश को बड़ा कर रखा और इसलिए मन में पूर्ण सद्भाव लेके स्वार्थ और भेदों को भूलकर देश का काम करते, करते करते जीना और अगर मरने की आवश्यकता है तो मरने के लिए भी तैयार रहना ये जीवन कैसे होता है समाज को अपने जीवन से सिखाए इसके लिए हम संघ के स्वयं चोक है इसके लिए संघ चलता है इन बातों का विचार सदैव आप सब लोग मन में रखें ऐसा एक अनुरोध आपके सामने रखता हूं और मेरे चार शब्द समाप्त कर